जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के पहले सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पश्चात बेल आइकन को दबाना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, मैं बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेलो सर। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैलेंडर ट्रिक्स। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि किसी भी डेट का, सपोज कीजिए आज 5 जनवरी 2019 है। अब इस दिन पूछा जाए कि यह कौन सा दिन है, जैसा कि आज वीडियो शूट हो रहा है तो आज हम जान रहे हैं कि दिन है शनिवार। तो जी हाँ दोस्तों, शनिवार। और यदि 6 जनवरी दे दिया जाए 2019 तो दिन हो जाएगा संडे, रविवार। तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी यदि डेट आपको दिया गया है तो उसका हम लोग डेट निकालना सीखेंगे कि कैलेंडर ट्रिक से माध्यम से किसी भी डेट का कौन सा दिन होगा या कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए आपको सकता है अपना डेट ऑफ बर्थ, सपोज कीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ यदि 5 दिसंबर 1990 है, तो यह आपका जन्मदिन यदि है तो आपका जन्म किस दिन हुआ था। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन यदि यह आपका डेट ऑफ बर्थ है या कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो उस दिन आप उसका दिन कौन था यह इस कैलेंडर ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बराबर शादी की सालगिरह वगैरह मनाते हैं, पिकनिक का टूर प्रोग्राम करते हैं, जो कि हो सकता है कि 2 महीना बाद होने वाला हो, 5 महीना बाद होने वाला हो, तो सभी तारीख यदि सपोज कीजिए हमारा आज 5 तारीख है और पता करना हो कि यदि 5 सितंबर 2019 को किसी को यदि डेट ऑफ बर्थ है या पिकनिक मनाने जाना है या शादी का सालगिरह है, तो दिन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत कैलेंडर निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अब कैलेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा दिन इस दिन होगा, वह हम आराम से पता कर सकते हैं कैलेंडर ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, आप आराम से समझ जाएंगे। चलिए आइए बोर्ड पर नजर दौड़ाते हैं। तो बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार का कोड लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए, यह डे कोड है संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे के देख लीजिए 1 है, मंडे 2, ट्यूजडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। जी हाँ दोस्तों, आपको यह थोड़ा सा कोड याद रखना पड़ेगा। दूसरा कोड है सेंचुरी कोड, 16वीं शताब्दी के लिए देख लीजिए 6 है, 17वीं शताब्दी के लिए 4 है, 18वीं शताब्दी के लिए 2 है और 19वीं शताब्दी के लिए 0 है और 20वीं शताब्दी के लिए कोड 6 है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे होंगे शताब्दी वर्ष, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि शताब्दी वर्ष किसको कहेंगे। जैसे आप जान रहे हैं कि यदि 1600 लिखा गया है तो वह काम करता है 1699 तक, यदि वह 1700 है तो 1700 से वह हुआ 1799 तक। यदि कोई दोस्तों का प्रश्न होगा कि सर जी आप यहाँ सिर्फ 1600 से 2000 तक सिर्फ कोड लिखा गया है, तो यदि सपोज कीजिए आपके पास 12वीं शताब्दी हो, 13वीं शताब्दी हो, 14वीं शताब्दी हो, 15वीं शताब्दी हो, तो इसका कोड आप कैसे निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो शताब्दी कोड याद रखने के निकालने के लिए एक ट्रिक है, उसको याद आप रखेंगे शताब्दी कोड। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, ऊपर शताब्दी वर्ष लिख दीजिए शताब्दी वर्ष, और नीचे क्या करना है कि 400 से भाग कर देना है। यदि आपका शेष 0 आए तो उसका कोड आप याद रखेंगे 6। जैसे सपोज कीजिए 1200 है, 1200 में हम लोग 400 से भाग लगाएंगे तो पूरी पूरी काम जा रहा है, कट गया 4 3 12। तो जी हाँ दोस्तों, इसका शेष हम लोग का कितना आएगा 0, इसका कोड याद रखेंगे 6। उसी प्रकार से 1300 हो सकता है, 400 से पूरा पूरा भाग लगाना है तो 4 3 12 आपके पास शेषफल कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा। तो 100 यदि शेषफल बचेगा तो उसका कोड आप याद रखेंगे 4। और यदि 1400 मान ले दिया गया है, इसमें 4 से भाग लगाइए तो 4 3 1200, यानी शेषफल आपके पास बच गया 200। यदि शेषफल यदि आपके पास 200 बचता है तो इसका कोड याद रखेंगे 2। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार ले लेते हैं, यदि 15वीं शताब्दी का दिया गया है ईयर और उसको 400 से भाग लगा देंगे तो 4 3 12, ऑब्वियसली आपके पास 300 शेष बच जा रहा है, तो 300 शेष का याद रखेंगे कोड 0।
तो चार ही क्वार्टर दोस्तों आपके पास आएगा, सिक्स आएगा, फोर आएगा, टू आएगा और जीरो आएगा। कब? जब किसी भी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगाएंगे। यदि शेषफल आएगा जीरो तो कोड होगा सिक्स, और शेषफल यदि 100 आएगा तो कोड चार, 200 शेषफल आएगा तो कोड टू, और शेषफल यदि 300 आएगा तो कोड हो जाएगा जीरो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी शताब्दी वर्ष का हम कोड निकाल सकते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं मंथ्स कोड। तो आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे बोर्ड पर मंथ्स कोड लिखा गया है, तो आप देख लीजिए मंथ्स है नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, एक साधारण वर्ष के लिए कोड है और एक लीप ईयर। जैसा कि आप जान रहे होंगे यहाँ देखिए जनवरी से दिसंबर लिखा गया है। पहले साधारण वर्ष और लीप ईयर समझ लेते हैं। तो दोस्तों साधारण जो वर्ष है नॉर्मल ईयर, आप उसमें जान रहे होंगे कि फरवरी जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है, और वन ईयर में आपको होते हैं कितना दिन, 365 दिन। साधारण से हम लोग नॉर्मल ईयर किस रूप से निकालते हैं, जो भी ईयर मान ले दिया गया है, यदि 2000 मान ले 18 है, नॉर्मल ईयर लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चार से भाग लगाते हैं। यदि भाग मेरा पूरा कट जाता है तो वह नॉर्मल ईयर नहीं होगा, और यदि शेष बचता है तब मेरा वह नॉर्मल ईयर होगा। उसी प्रकार से आप यदि लीप वर्ष यदि निकालना हो लीप ईयर, तो लीप ईयर आप समझ रहे होंगे कि वन ईयर में उसमें आपको हो जाता है 366 डे, और जो फरवरी जो महीना होता है वो होता है 29 दिन का। तो जी हाँ दोस्तों, लीप ईयर में क्या है कि जैसे 2016 है, यदि चार से भाग लगाएंगे तो पूरी तरह यदि कट जाएगा यानी पूरा भाग पर हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। जी हाँ दोस्तों, एक आता है सेंचुरी वर्ष, सेंचुरी लीप ईयर। जी हाँ दोस्तों, सेंचुरी लीप ईयर निकालने के लिए जैसे आपके पास 16वीं शताब्दी दिया गया है, 17वीं शताब्दी दिया गया है और 20वीं शताब्दी दिया गया है, तो उसमें क्या करना है कि सेंचुरी वर्ष निकालने के लिए आपको 400 से भाग करनी होगी। तो 400 से यदि पूरा भाग फल लग जाएगा, जैसे इसमें 400 से पूरा भाग फल लग जा रहा है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 4 से पूरी तरह भाग नहीं लगेगा, तो यह मेरा सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा। इसमें भी देखिए 4 से पूरा भाग लग जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर। तो जी हाँ दोस्तों, आप इसमें से आराम से समझ सकते हैं कि मेरा कौन सा नॉर्मल वर्ष होगा, कौन सा लीप वर्ष होगा और कौन सा सेंचुरी वर्ष होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप ऊपर देखिए बोर्ड पर नॉर्मल ईयर के लिए कोड याद रखना है, जनवरी 1, फरवरी 4, इस प्रकार से देखिए कोड लिखा गया है। और लीप ईयर के लिए कोड जो है मंथ का, वो सिर्फ आपको चेंज हुआ है, जनवरी में देख लीजिए 1 की जगह हो गया 0 और 4 की जगह हो गया है 3, और बाकी इधर सब कोड क्या होगा, एक समान होगा। तो एकदम हमेशा याद रखेंगे कि सिर्फ जनवरी और फरवरी का जो कोड है लीप ईयर में चेंज होगा, बाकी जो होगा वो एक समान होगा। चलिए आइए अब हम, कोई कहेंगे कि सर इतना कोड याद कैसे रहेगा, तो उसको हम याद करने का भी आपको तरीका बता रहे हैं। तो याद करने का तरीका आप तो जान रहे होंगे कि जनवरी से दिसंबर जो मंथ जो है वो 12 को तो आपको याद ही होगा, उसको आप आराम से ऐसे कर सकते हैं कि तीन तीन के श्रृंखला में आप बांट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको ब्रेक कर लीजिए तीन तीन के श्रृंखला में, तो आप आराम से याद रखने। 144 मतलब क्या थी, 12 का स्क्वायर आप जान रहे होंगे 144 याद रख लीजिए, 5 का स्क्वायर आप जान रहे होंगे 25 होता है, पहले 0 लगा दीजिए, 6 का स्क्वायर आप जान रहे होंगे 36 होता है, 36 लिख देंगे, और ये भी 12 का स्क्वायर 144 में क्या कीजिए, 2 जोड़ दीजिए 146। तो जी हाँ दोस्तों, आप 12 की स्क्वायर करके, 5 की स्क्वायर करके, 6 की स्क्वायर करके, इस प्रकार से आप मंथ कोड भी आराम से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए 144, 025, 036, 146। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं कि यदि आज 5 जनवरी 2019 है तो इसका कौन सा दिन होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। तो पहला तो वीडियो में पढ़ेंगे कि फाइंड आउट डे
ऑफ एनी डेट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी डेट दिया गया हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, आपको हड़बड़ाना नहीं है। किसी भी डेट का आप इस तरीका से आज हम लोग डेट निकालना सीखेंगे। दूसरा इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर ईयर। जी हाँ दोस्तों, समान वर्ष, समान कैलेंडर वर्ष। जी हाँ दोस्तों, समान कैलेंडर वर्ष, तो समान कैलेंडर वर्ष भी निकालना सीखेंगे। तीसरा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेट, डेट निकालना सीखेंगे। यदि मंथ यदि आपको दिया गया है कि 5 फरवरी 2019 से यदि 15 फरवरी 2019 इस दिन यदि मान ले सोमवार है तो इस दिन कौन सा दिन होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में आगे सीखेंगे। चलिए आइए अब हम प्रश्न 5 जनवरी, 5 जनवरी 2019 को कौन सा डे है यही हमको ज्ञात करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सूत्र याद रखना होगा। तो चलिए पहले सूत्र लिख लेते हैं। जो तारीख दिया गया है तो तारीख यहां लिख लेंगे प्लस मंथ्स कोड। जी हाँ दोस्तों, मंथ्स कोड प्लस एक्स्ट्रा ईयर प्लस, अब 1900 यहां 2019 नजर आ रहा है तो लीप ईयर प्लस शताब्दी कोड। इन सबों में क्या करना है कि 7 से भाग लगा देनी है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सूत्र दोस्तों याद रखेंगे, इसी सूत्र से आप किसी भी तारीख का डे निकाल सकते हैं। चलिए आइए इसको अब हम बढ़ाते हैं। तो चलिए तारीख 5 था, लिख लिए 5। मंथ्स देखिए आपका जनवरी है और 2019 देख लीजिए आपका नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं। यदि लीप ईयर रहेगा तो जनवरी के लिए 0 लिखेंगे और नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 लिखेंगे। तो जनवरी का कोड देखिए आपके पास है 1। एक्स्ट्रा ईयर देख लीजिए, 2019 में एक्स्ट्रा ईयर है 19 लिख लिए। अब 19 जो एक्स्ट्रा ईयर है उसमें लीप ईयर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, तो 19 में एक्स्ट्रा लीप ईयर निकालने के लिए 19 में हम लोग क्या करेंगे कि 4 से भाग लगा देंगे। तो 4 चौका का हो गया 16। जो रिमाइंडर जो बच रहा है उसको छोड़ देना है, जो इतना बार भाग लेगा उसको लिखना है। तो लीप ईयर लिख लिए 4। शताब्दी कोड देखिए, यहाँ 2019 है, इसका मतलब 2000 शताब्दी है तो उसका कोड आपके पास देख लीजिए है 6 लिख लिए। अब इन सबों को जोड़ के क्या करना है कि 7 से भाग लगाना है। तो चलिए 5 और 1 6 हो गया, सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। 5 1 6 हो गया और 19 25 हो गया और 4 29 हो गया और 6 35 हो गया, 35 पर क्या आया 7। इसको कट कर देंगे आपके पास आ गया 0। तो जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ देखिए डे वाला कोड में 0, यहाँ देखिए कौन सा दिन है सैटरडे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपका उत्तर आ गया सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि आज दिन है शनिवार। चलिए और भी कोई, जी हाँ दोस्तों यदि चलिए आइए अब हम सवाल नंबर 2 पर देखते हैं। यदि सपोज कीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वह है 2 अक्टूबर 1985। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1985। अब आपसे पूछा जाएगा कि जिस दिन जन्म हुआ था उस व्यक्ति का उस दिन कौन सा दिन था। जी हाँ दोस्तों, आप इस ट्रिक से अपना अपना भी डेट ऑफ बर्थ का दिन निकाल सकते हैं। चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं। तो सूत्र आप देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सूत्र आपको लिखना था कि डेट, तो डेट देखिए आपके पास 2 दिया है, 2 तारीख लिख लेंगे। मंथ्स कोड देख लीजिए, अक्टूबर का 1 है, 1 लिख लिए। अब क्या करेंगे,
उसके बाद लिखना था एक्स्ट्रा ईयर, यहाँ देखिए एक्स्ट्रा ईयर है 85 लिख लिए। अब क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा ईयर है उसमें लीप ईयर निकालना है, तब भाग लगा लेंगे इसको 4 से, तो 21 चौरासी 21 लीप ईयर आ गया। अब उसके बाद लिखना है शताब्दी कोड। जी हाँ दोस्तों, तो शताब्दी है 19वीं शताब्दी, यहाँ देखिए कोड लिखा हुआ है 0, और ऐसे भी आपको बताया गया था कि 1900 में क्या करेंगे कि 400 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो शेष मेरा कितना बच जाएगा, शेष जो बच जाता है वह 300 बच जाता है, और 300 के लिए आपका कोड बताया गया था कि 0 होता है, तो चलिए हम कोड के रूप में लिख दिए 0। अब क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे, सबको जोड़ लीजिए और 7 से भाग लगाइए। अब क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन भाग कर लेना है, तो भाग कर करना है कि एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, तो चलिए भाग करके इसको लगा लीजिए 7 से 109, तो देखिए 1 बार ये आपके पास हो गया 3 7 4 28 7 5 35। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा आपके पास कितना है, रिमाइंडर 4 आया, तो शेषफल जब आपके पास 4 आया तो अब यहाँ देखिए 4 जो है 21 में है वेडनेसडे। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब बुधवार। तो इस व्यक्ति जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1985 था, उनका जन्म किस दिन हुआ था, बुधवार को हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, यदि पुराना कैलेंडर तो मेरे पास होगा नहीं, लेकिन चलिए तब आगे हम चेक कर ले रहे हैं कि यदि इनको डेट ऑफ अपना जन्मदिन मनाना हो तो जन्मदिन कब मनाएंगे इन साल, तो 2 अक्टूबर को मनाएंगे, तो पिछला इनका जो जन्म हुआ था बुधवार को, तब हम देख लेते हैं कि 2 अक्टूबर 2019 को इनका जन्मदिन कब पड़ने वाला है, इनका डेट ऑफ बर्थ का दिन निकला कौन, बुधवार। अब इस तारीख को 2 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो चलिए सूत्र लिख लीजिए, 2 तारीख है, 2 अक्टूबर हो गया, अक्टूबर का आप देखिए कोड 1 है, एक्स्ट्रा ईयर आपके पास 19 हो गया, लीप ईयर 19 में 4 से भाग लगा दीजिए, 3 का 16 4 आ गया, शताब्दी कोड 20वीं शताब्दी है, तो 20वीं शताब्दी के लिए कोड है आपके पास 6। अब इसको क्या करेंगे कि 7 से भाग लगा देंगे, तो चलिए इसको सबको जोड़िए, 2 1 3 हो गया 19, 22 हो गया 22 और 4 26 और 6 32, 32 में 7 से भाग लगाएंगे, तो आपको बताया गया है कि शेषफल आपको चाहिए, यानी शेष कितना बचता है, तो 7 चौक हो गया 28, आपके पास शेष आ गया 4। तो जी हाँ दोस्तों, शेष जब आपके पास 4 आ गया तो देखिए 4 कौन है, बुधवार। इसका मतलब क्या हुआ कि इन साल भी उनका जो जन्मदिन जो होगा कौन दिन को मनाएंगे, बुधवार को मनाएंगे। दोस्तों एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है, डेट जो है आपका कोई जरूरी नहीं है कि बुधवार ही पड़े, डे जो है आपको चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसमें अब यह चेक किया जाएगा कि आखिर बुधवार ही क्यों आया, तो हो सकता है कि वो कैलेंडर ईयर जो हो से एक समान हो। हम लोग शुरू में कितना कैलेंडर ईयर लिए थे, 1985 लिए, और ये कितना लिए, 2019 लिए। इसको हम लोग अगले सवाल में चेक करेंगे कि आखिर कैलेंडर ईयर बराबर है कि नहीं है। यदि कैलेंडर बराबर होगा तो 2 अक्टूबर 2019 को भी बुधवार होगा, और 2 अक्टूबर 1985 को भी बुधवार होगा। चलिए आइए अब हम सवाल दूसरे की ओर बढ़ते हैं।
आपको करना क्या है कि अब देखेंगे कि समान वर्ष के कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, अब टॉपिक जो आपका आ गया अलग, समान वर्ष के कैलेंडर के कैलेंडर। तो समान वर्ष के कैलेंडर होते क्या है ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आज तारीख है 5 जनवरी 2019 और दिन आपका हो गया शनिवार, और नेक्स्ट जो है 5 जनवरी कौन सा साल में दिन शनिवार होगा। जी हाँ दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है। तो कैलेंडर, समान वर्ष के कैलेंडर निकालना है तो इसके लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हम आपको बता रहे हैं ट्रिक जो है क्या करना है कि जितना भी ईयर है ईयर में 4 से भाग लगानी है, उसमें भी आपको कोड याद रखना होगा। यदि शेष हो सकता है पूरा भाग लग जाए, तो यदि शेष यदि 0 आए तो उसका कोड आप याद रखेंगे 28। हो सकता है शेषफल के रूप में 4 से भाग दीजिएगा तो एक ही एक आए तो उसका कोड याद रखेंगे आप 6। हो सकता है कि शेषफल जो है 2 या 3 आए तो उसका कोड याद रखेंगे 11। जैसे अब यहाँ देखिए सवाल मेरा यहाँ दिया गया है 5 जनवरी 2019 दिन है शनिवार, तो 2019 का कौन सा समान कैलेंडर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिक फॉलो करेंगे। तो ट्रिक में आपको जैसा कि बताया गया है 2019 में क्या से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, तो भाग लगाइए 4 × 20 0 × 4 = 16 यानी 19 है। तो शेष आपका बच गया कितना, 19 में 16 घटा दीजिए शेष बच गया आपके पास 3। इसका मतलब है कि शेष आया 3 तो इसका कोड क्या होगा 11। तो आपको करना कुछ नहीं है, समान वर्ष के कैलेंडर निकालने के लिए आपको उसमें कोड जो दिया गया है 11 उसमें आपको जोड़ देना है। तो ये हो गया 2030। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि 5 जनवरी 2030 को दिन होगा कौन दिन, शनिवार। इसका मतलब कि 2030 और 2019 का कैलेंडर जो होगा वो एक समान होगा। जी हाँ दोस्तों, इसे आप किसी भी वर्ष का समान कैलेंडर निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए अब हम सवाल नंबर, दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि कौन से सवाल रेलवे के एग्जाम में बैंकिंग प्रतियोगिताओं में कैलेंडर संबंधित पूछते हैं। तो उसमें देखिए एक सवाल जो आता है आपको इस प्रकार रहेगा, जैसे मान चलिए यदि 5 दिसंबर 2019 को यदि दिन सोमवार है। जी हाँ दोस्तों, एक सवाल इस प्रकार से दिया रहता है 5 दिसंबर 2019 को दिन सोमवार है तो 16 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का आप देखेंगे इसमें क्या है कि विद इन मंथ है, मतलब एक ही माह के अंदर में दिन आपको निकालना है, वर्ष भी एक है और मंथ भी एक है। तो इसमें चलिए ट्रिक नंबर 1 हम लोग फॉलो करेंगे। तो ट्रिक नंबर 1 में आपको करना क्या है कि 5 दिसंबर को जैसे सोमवार था तो 5 में 7 जोड़ देंगे 12 हो गया, इसका मतलब कि 12 को आपके पास होगा सोमवार। फिर 12 में देखिए 7 जोड़ते हैं लेकिन आपके पास 16 है तो 4 जोड़ेंगे तो 12 × 4 हो गया 16। तो आंसर में आपको क्या करना पड़ा कि सोमवार में कितना दिन जोड़ना पड़ गया, आपको 4 दिन जोड़ना पड़ गया। तो सोमवार से आगे 4 दिन जोड़ लीजिए, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया और ये शुक्रवार हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से 16 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा,
शुक्रवार होगा। इसको आप दूसरे ट्रिक से भी बना सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। चलिए आइए इसको हम लोग आराम से देखते हैं। आप देखिए स्टार्टिंग डेट है 5 दिसंबर और लास्ट डेट है 16 दिसंबर, तो आपको करना कुछ नहीं है। अंतिम 16 में से क्या करेंगे कि 5 घटा देंगे और जे उसमें 7 से भाग कर देना है। आपको एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट करना है दोस्तों, कैलकुलेट एक्स्ट्रा डेट यानी भाग करने के बाद जो है जो शेषफल बच जाएगा उसको आपको काउंट करना है। तो चलिए 16 में से 5 घटाइए, ये हो गया 11, 7। तो इस प्रकार से इसका शेषफल इसमें निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4। जी हाँ दोस्तों, शेषफल आपके पास आ जाएगा 4। तो 5 तारीख को दिन कौन था, सोमवार था, तो आंसर में क्या करेंगे कि सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। तो 4 दिन जोड़ेंगे तो आपका हो गया आंसर में शुक्रवार। तो इस प्रकार के बैंकिंग प्रतियोगिताओं में आप आराम से सवाल बना सकते हैं। यदि एक ही मंथ में कोई भी दिन तारीख दिया रहे तो आप आराम से डे निकाल सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न आपके पास हो सकता है कि क्या करेगा कि मंथ चेंज कर देगा, तो जब मंथ चेंज करेगा तो चलिए उसका भी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। तो इन सब सवालों को यदि मंथ जो है सेम रहे या मंथ अलग हो तो उसको आप साधारण ट्रिक से भी बना सकते हैं और हम लोग ये जो बार कोड जो लिखा गया है इस ट्रिक द्वारा भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि आपके पास दिया गया है 2 अक्टूबर 2019 को यदि दिन आपके पास है सोमवार, जब उसे एक्यूरेट डेट नहीं लिखा जा रहा है, दिन एक काल्पनिक डे है कि मान लिया गया है कि दिन है सोमवार 2 अक्टूबर को, तो यदि 5 दिसंबर यदि पूछा जाए कि 2019 को कौन सा दिन होगा। जी दोस्तों, इस प्रकार का सवाल बैंकिंग प्रतियोगिताओं में कई बार पूछा है, आप ध्यान से देखेंगे। तो इसमें आपको बताया गया कि एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट करना है, तो चलिए एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। अक्टूबर महीना है तो अक्टूबर में आप जान रहे होंगे 31 डे होता है, 31 में क्या करेंगे कि 2 अक्टूबर से क्योंकि शुरू है तो घटा देंगे और 7 से भाग लगा देंगे, तो 31 में 2 हो गया यानी घटा दिए 29 हो गया, 29 में 7 शेषफल आपको 7 चौक 28 चार बार कट गया, 29 में 28 घटा दीजिए शेष आपके पास बच गया 1 दिन। जी हाँ दोस्तों, अब नवंबर ले लीजिए, नवंबर में आप जान रहे होंगे नवंबर जो होता है 30 दिन का मंथ होता है, तो 30 में आपको 7 से भाग लगानी है, तो यह क्या हो गया 7 चौक 28 चार बार भाग लग गया, तो एक्स्ट्रा डे आपके पास बच गया 2। जी हाँ दोस्तों, यह एक्स्ट्रा डे जो भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको एक्स्ट्रा डे बोलेंगे। और फिर आ जाइए दिसंबर, तो दिसंबर कब तक कर रहा है, 5 दिसंबर तक ही कर रहा है, यानी 5 में 7 से भाग लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा लेकिन शेष मेरा कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 की कितनी। अब क्या करेंगे कि सब एक्स्ट्रा डे को जोड़ देंगे, तो 1, 2, 3 हो गया और 5, 8 हो गया। अब फिर क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा डे है उसको फिर 7 से भाग लगाएंगे, तो शेषफल दोस्तों आपके पास कितना बच गया, 7 से 8 में भाग लगाया तो 1 आया। जी हाँ दोस्तों, तो यह आपको हो गया एक्स्ट्रा डे 1। अब दिन कैसे निकालेंगे, तो दिन निकालने के लिए सोमवार में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ देना है, आपका हो गया मंगलवार। इसका मतलब कि 2 अक्टूबर 2019 को यदि सोमवार है तो 5 दिसंबर को कौन सा, तो 5 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, तो दिन होगा मंगलवार। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल में आप देखें एक ही मंथ में और जब मंथ बदल जाए उसमें हम साधारण ट्रिक से बिना बारकोड की सहायता से आप आराम से डे जो है निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब आगे आइए देखते हैं कि यदि ईयर चेंज हो जाए, जी हाँ दोस्तों यदि ईयर चेंज हो जाए तो उसको हम लोग डे कैसे निकालेंगे, तो आइए थोड़ा सा अलग ट्रिक से बनेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बार कोड का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बार कोड अभी हम लोग सवाल देख चुके थे, सॉल्व किए थे, तो भी सवाल एक देख लीजिए कि बार कोड का सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। यदि आपके पास दिया गया है 5 मई
2016 को दिन आपके पास दिया गया है सोमवार। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके पास पूछ दिया कि 6 दिसंबर 2026, जी हाँ दोस्तों 2026 को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों आप देख लीजिए डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, और ईयर देखिए यहाँ 2016 है, यहाँ कर दिया 2026, उस दिन बता रहा है कि सोमवार होगा, तो 26 में 6 दिसंबर 26 में कौन सा दिन होगा। यदि ईयर का गैप बहुत ज्यादा हो तो आप साधारण ट्रिक से सवाल को नहीं बनाएंगे, आप बार कोड का प्रयोग करते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक आपको बताया गया था, सूत्र तो लिख लेंगे, पहला है 5 मई 2016, तो तारीख आपका हो गया 5, चलिए 5 लिख लिए, मंथ जो है मई, तो मई का कोड देख लीजिए, यहां दिया गया है 2, लिख लिए, एक्स्ट्रा ईयर देख लीजिए 16 लिख लिए, लीप ईयर 16 में 4 से भाग लगा लीजिए, तब चुका 16, 4 आ गया, शताब्दी कोड 2000 है, तो 2000 का शताब्दी कोड देख लीजिए 6 है, अब इसको सबको जोड़ के 7 से भाग लगा देना है, तो 5 हो गया 7 और 16 23 और 4 27 और 6 33, 33 में 7 से भाग लगाइए, शेषफल आपको काउंट करना है दोस्तों, तो शेषफल 7 24 28, यानी 33 में 28 घटा देंगे 5, तो जी हाँ दोस्तों शेषफल आपका आया 5, तो 5 यहाँ देख लीजिए कौन सा दिन है, थर्सडे, थर्सडे मतलब गुरुवार, आपका ओरिजिनल जो 5 मई 2016 को दिन आया वह था गुरुवार बृहस्पतिवार, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है सोमवार, तो आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ रिलेशन बनाएंगे कि कितना दिन पीछे है, तो गुरुवार के पीछे क्या हो गया, बुधवार हो गया, मंगलवार हो गया और सोमवार हो गया, 3 दिन पीछे याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों 3 दिन पीछे एक रिलेशन ही बना, और दूसरा देखिए आपके पास दिया गया है 6 दिसंबर 2026, तो चलिए उसको लिख लीजिए सूत्र से, तो उसको लिखेंगे तो 6 दिसंबर 6 लिख लिए, दिसंबर का देखिए कोड आपके पास 6 है, एक्स्ट्रा ईयर देखिए 26 में लीप ईयर काउंट करना है, तो 4 से भाग लगाते हैं, तो 4 6 24, यानी 6 बार लगेगा, और शताब्दी कोड चूंकि बराबर रहेगा सेम रहेगा तो ये लिख लेंगे, शताब्दी कोड मेरा 6 है तो 6 लिख लिए, अब क्या करना है कि 7 से भाग लगा देनी है, तो भाग लगाइए 6 6 12 हो गया, 12 और 36 आपके पास हो गया 38 और 12 50 हो गया, 7 से भाग लगाइए 7 7 49, शेष आपका बचा 1 दिन, तो शेष जब 1 आया तो 1 देख लीजिए कौन सा दिन कह रहा है, संडे, संडे मतलब रविवार, जी हाँ दोस्तों तो रविवार आपका इस रिलेशन में निकला, तो यहाँ देखिए पहला रिलेशन में हम लोग क्या किए थे कि गुरुवार से 3 दिन पीछे चले थे, तो हमारा प्राप्त हुआ था सोमवार, इसका मतलब कि बुध हो गया था, मंगल हो गया था, सोम हो गया था, तो मेरा जब यहाँ रविवार आ रहा है, संडे आ रहा है, तो इसके हम लोग फिर 3 दिन पीछे चलेंगे, तो शनिवार पीछे चलिए, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, तो जी हाँ दोस्तों इसका आंसर आ गया बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार के दिन पीछे, 3 दिन पीछे, तो आपको एक्यूरेट जो डेट जो है, एक्यूरेट डेट का डेट निकाल लेंगे पहले, और फर्स्ट में देख लेंगे कि रिलेशनशिप किस प्रकार का है आगे पीछे करके, तो दूसरा जो निकलेगा उसका भी आगे पीछे करके हम डायरेक्ट जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस प्रकार से आप देखें कि किसी भी ईयर हो या मंथ हो या सेम मंथ हो, सभी में हम कौन सा दिन है निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह मेरा कैलेंडर ट्रिक्स समाप्त हुआ। यदि हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे।